ओके जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन, आपने सुना होगा कभी कभार आप कह रहे होते हैं यार वेबसाइट्स, कभी आप कह रहे होते हैं वेब एप्लीकेशन, है ना, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। अब इन चीजों को अगर आप डिफरेंशिएट करो कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, तो ये क्या है। सबसे पहले यहां पे जो बात आती है वेबसाइट की, इसका मकसद ये है कि वेबसाइट यूजुअली कंटेन्स मोर ऑफ स्टैटिक इंफॉर्मेशन एंड लेस ऑफ यूजर इंटरेक्शन। कि जो वेबसाइट होती है ना उसमें यूजर की इंटरेक्शन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, ठीक है, लेकिन डिजाइन या स्टैटिक चीजें ज्यादा होती है। यानी डिजाइन बहुत सारा होता है, उसमें यूजर का जो इंटरेक्शन, यानी यूजर कुछ करे तो बहुत सारी चीजें परफॉर्म हो या फंक्शनलिटी हो, वो चीज कम होती है। कौन सा क्लियर हो गया? यानी पूरा ढांचा वेबसाइट का बना हुआ है, आप कुछ चीजें कर रहे हो तो हो रही हैं, डायनामिकली भी कुछ चीजें हो रही हैं, यानी यूजर के कुछ हरकत से आपके वेब पेज पे कुछ हरकत हो, जैसे बटन पे क्लिक किया, इनपुट में वैल्यू दी, इनपुट के ऊपर आपने कुछ ऑपरेशन करवाया, है ना, तो इस तरह की चीजों का होना है, लेकिन कम है, लेस इंटरएक्टिविटी, सही है जी। उसके बाद वेबसाइट विल नॉट टेक एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद द वेब सर्वर। इसका मकसद क्या हुआ कि आपके पास कोई भी इनपुट वेबसाइट आपसे नहीं लेती और ना ही उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन करवा रही होती। जैसे आपने HTML और CSS से पूरी की पूरी लेआउट बना दी, लेकिन इंटरेक्शन थोड़ी बहुत तो होती है ना, माउस ओवर करो तो कुछ चीजें हो रही होती है, हो रही होती है, क्लिक करो तो कुछ चीजें ओपन होना थोड़ा बहुत, ठीक है जी, जो पॉसिबल चीजें हैं विथ CSS और अदर काइंड ऑफ फीचर जो आप यूज करते हैं उनसे होती हैं, यूजर के इंटरेक्शन से कुछ चीजें, एनिमेशन ट्रांजिशन पढ़ी है ना आप लोगों ने, है ना, उस पर होता है कि क्लिक एक्टिव करें लिंक को तो क्या हो रहा है ना, क्लिक करें लिंक को तो आप दूसरे पेज पे जाते हैं, तो यूजर की इंटरेक्शन इतनी थी होती है कि आप मूव कर सकते एक पेज से दूसरे पेज पे, फिर आपके कुछ कलर कंट्रास्ट, बैकग्राउंड की चीजें, इमेजेस पे हावर करना, इमेजेस आगे पीछे करना, ये चीजें तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी वेबसाइट डायनामिक होती है, सही है जी। वेबसाइट का मकसद ये है स्टैटिक आपका एक डिजाइन, ठीक है, जिसमें कम इंटरेक्शन होती है यूजर की, सिर्फ वो इनपुट बना तो सकता है लेकिन इनपुट में कोई वैल्यू देके उस पर ऑपरेशन करवाना वो आपकी वेबसाइट्स नहीं कहलाती, ठीक है, या वो वेबसाइट्स से नहीं होता। उसके बाद वेबसाइट कैन बी बिल्ट यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। अब बात आती है JavaScript इंक्लूडेड है यहां, सही है, लेकिन JavaScript जो आपकी बेसिक JavaScript ऑन क्लिक या आपके माउस ओवर पे इवेंट ये वगैरह सारी चीजें करके कहीं डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करवाया जाता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने कहा ना इंटरएक्टिविटी है लेकिन कम, सही है। अब ऑन क्लिक पे कोई चीज हो रही है, इनपुट्स के अंदर डेटा लेके आप उसको कहीं परमानेंटली स्टोर करवा दो, ठीक है, या बहुत बड़ा डेटा हो जैसे एक पूरी वेबसाइट डायनामिक बनती है ना, वो वाला फ्लेवर तो नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, आधी वेबसाइट या आपकी कुछ परसेंट वेबसाइट जो है वो आपकी इन्हीं टूल्स के थ्रू बन जाती है, लेकिन जो बैकएंड होता है ना, पूरा का पूरा बैकएंड, यानी पूरी की पूरी वेबसाइट को पूरा डायनामिक बना देना, वो आपका नहीं होता इन चीजों से, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस की। तो वेब एप्लीकेशन क्या करती है? इज मोर इंटरेक्टिव एंड रिक्वायर अ कनेक्शन विथ अ वेब सर्वर। तो देखिए बात आ गई ना कि यहां पे डेटा सिर्फ क्लाइंट साइड ही सेव होता है, JavaScript के थ्रू भी जो भी चीजें करेंगे वो कहीं सर्वर पे जाके तो सेव नहीं होनी, आपके ब्राउजर पे ही सेव होती है, सही है। और ब्राउजर पे आपके तीन तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जो आगे चल के हम उनपे बात करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो है सेशन, कुकीज एंड लोकल स्टोरेज। उनसे क्लियर है? ये चीजें आपके ही वेब ब्राउजर पे सेव होती हैं और JavaScript के थ्रू आप उनको सेव कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद इज डायनामिक एज इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर्स इंटरेक्ट्स विद द सर्वर एंड प्रोवाइड रेस्पॉन्स बैक टू द यूजर। तो देखिए यहां पे सर्वर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, जबकि इंटरेक्शन थी, इनपुट से डेटा लिया जाता था,
लेकिन वो कहीं जाके सर्वर पे रखना या फिर किसी डेटाबेस में रखना वो चीज नहीं थी। सही है, जब तक वेब पेज चल रहा है आप चीजें दे रहे हो, वो काम भी कर रही है, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन वो चीज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट कहीं 100% या परमानेंटली जाके सेव नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? तो ये चीज पॉसिबल है किसके साथ? आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर या किसी ऐसी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जिसके थ्रू आपकी पूरी वेबसाइट डायनामिक बन सकती है। उसके बाद कैन बी बिल्ट विथ HTML, CSS, JavaScript एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए बात आ गई एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि यहां पे एक गलती है कि जावास्क्रिप्ट खुद भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन जो ये यहां बात कर रहा है ना, ये एक्चुअल में उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा है जो सर्वर साइड लैंग्वेज। कौन सी? जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है, जैसे आपकी PHP हो गई, ASP हो गई या JSP हो गई। सही है, PHP हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर को कहते हैं जो सर्वर साइड लैंग्वेज है, जिसको चलाने के लिए आप किसकी सर्वर की जरूरत पड़ती है, जो कि अपाची होता है। सही है, ASP हमारे पास एक्टिव सर्वर पेजेस के नाम से एक टेक्नोलॉजी है .NET की, जिसको हम यूज करते हैं इसी पूरी वेबसाइट को फंक्शनल बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। सही है बेटा, आप जो डिजाइन करते हैं ना, लेआउट टेम्पलेट बना देते हैं पूरा, उसको वेबसाइट कहते हैं। उसी टेम्पलेट को कोई भी बैकएंड डेवलपर उठा के कोई सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करके फंक्शनल बना देता है। क्या बना देता है? फंक्शनल, ठीक है। तो आपकी वही डिजाइन की ही वेबसाइट को वेबसाइट कहते हैं, और उसी वेबसाइट को जब पूरा फंक्शनल बनाया जाए, उसका डेटा कहीं परमानेंट सेव हो रहा हो कहीं सर्वर पे, तो वो चीज आपकी वेब एप्लीकेशन कहलाती है। सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो सिंपल से थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आइडिया क्लियर हो रहा है तो दैट्स इट, यही चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, इनमें अगर आप जाओगे यार जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता था, है ना, तो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है अपने माइंड में बिठा दो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बिठाना है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, तो वह सिंपल सी बात है कि ये चीजें सिर्फ आइडिया देने के लिए होती है, क्या जिसमें सिर्फ डिजाइन के ऊपर बातें हो या डिजाइन की ही चीजें हो, इंटरेक्टिविटी कम हो, वो वेबसाइट है, जिसमें डेटा परमानेंट कहीं स्टोरेज में जाके सेव नहीं होता। सही है, जबकि कहा जाए तो 10 MB का डेटा तो आपकी इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम लोकल स्टोरेज पे सेव कर सकते हैं। कितना? 10 MB का, फिर 4 MB के सेशन सेव कर सकते हैं, 4 MB नहीं है शायद, 5 है। सही है, ऐसे ही आपके कुछ 4 KB की कुकी सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो थोड़ी बहुत स्टोरेज तो जावास्क्रिप्ट भी दे रहा होता है, लेकिन बात कर रहे हैं स्टैटिक, पूरी वेबसाइट और पूरी डायनामिक की बात हो रही है, पूरी वेबसाइट को स्टैटिकली देखा जाए या डायनामिकली देखा जाए, तो बेटा ये चीजें हैं अकॉर्डिंग टू के आपकी स्टैटिक साइट को वेबसाइट कहा जाता है, डायनामिक साइट को वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया।